सभी सरकारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस इन हिंदी के शानदार क्वेश्चन आंसर यहां उपलब्ध कराए गए सभी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़े ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी को और भी मजबूती मिल सके। 1. आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? = गौतम सवांग। 2. भारत किस देश में नवीनतम व्यापार सौदे के तहत पहला IIT संस्थान स्थापित करेगा? = संयुक्त अरब अमीरात। 3. WHO के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? = 6. 4. किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? = अमेरिका। 5. भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई? = नासिक। 6. आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? = चेतन घाटे। 7. भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया? = आर्मेनिया। 8. HDFC बैंक की गैर कार्यकारी निदेशक के पद से किसने इस्तीफा दिया? = श्रीकांत नधामुन। 9. करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? = बीकानेर। 10. The 18th of February को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? = 11. लॉन्च पुस्तक A Nation to Protect के लेखक कौन है? = प्रियम गांधी मोदी। 12. IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? = जेमिनी भगवती। 13. महाराष्ट्र राज्य के नए DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया? रजनीश सेठ। 14. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? = विशाखापट्टनम। 15. वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। प्रश्न: किस राज्य ने IPS KV राजेंद्रनाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता है? सेनेगल। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा देश COVID-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भारत। प्रश्न: निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए बुक किया है? ABG शिपयार्ड लिमिटेड। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कुजांगल। प्रश्न: वर्ष 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 85th। प्रश्न: लॉन्च पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश की लेखिका कौन है? शुबीरा प्रसाद। प्रश्न: हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस राज्य कैबिनेट ने धार्मिक विधेयक 2022 के गैरकानूनी रूपांतरण की रोकथाम के मसौदे को मंजूरी दे दी है? हरियाणा। प्रश्न: किस राज्य ने IPS KV राजेंद्रनाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किशनगंज दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? रेल मंत्रालय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।